उधर रावण जो है चल करके मामा मारीच के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां मामा मारीच ने कर पूजा मारीच, तब सादर पूछी बात, कवन हेत मन व्यग्र अतीत अक्षर अलंकार। तुम्हारी जी पूछने लगे कि हे महाराज, आप जो है ना इतनी व्यग्र और इस अवसर पर आप आए हुए बिना बताए, बिना सूचना दिए हुए, ऐसे क्या कारण है? लंकेश क्या कह रहे हैं, रावण महाराज क्या कह रहे हैं कि दशमुख सकल कथा थी आगे, कही सहित अभिमान अभागे, और सुप्रका की नाक कान विहीन होने की सारी बातें उसको मारीच को बता दी और कहने लगे कि हे मारीच, कि हो कपट मिराग तुम छलकारी, जेही बिदा हर आन नृपनारी। कि हे मामा मारीच, हो ए कपट मृग तुम छलकारी, जही बिद हरे आन नृपनारी, कि आप कपट पूर्वक एक स्वर्ण मृग बन जाइए जिससे कि मैं सीता का हरण कर सकूं। तेही पुने कहा सुना हो दस सीसा, ते न रूप चराचर ईसा। तब मारी क्या कह रहे हैं, अकमाराज जिन्हें आप साधारण पुरुष समझ रहे हैं, पता है वो कौन है? मुनि रख मख राखन गलव कुमारा, बिन फर सर रघुपत मुई मारा। अकिये मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए दोनों भाई गए हुए थे, पता है इन्होंने मेरा क्या हाल किया था? मेरे भ्राता स्वभाव को तो इन्होंने यमलोक पठा दिया और मेरे साथ क्या किया, बिन फर सर रघुपत मुई मारा, और बिना फर का बाण जो है इन्होंने मुझे ऐसा मारा कि सत जो जन आयु क्षण माही, और सात योजन पार जो है ना एक ही क्षण में यहाँ आके तीन सन वैर किए भर नहीं। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि उनके साथ बैर भाव रखने में कोई भलाई नहीं है, इसलिए आप अपनी इस भावना को मन से त्याग दीजिए। इस बात को रामाजी की बात को सुनकर के रावण जी क्या कर रहे हैं, और उससे भी आगे मारीच ने कहा कि ते ही ताड़ का स्वभाव हाथी खंडेड कर को दंड, खरदूषण तिस्रा बधे मनुज के अशरिबंड। अब जिन्होंने ताड़ का स्वभाव को खंड खंड कर दिया, मार दिया खरदूषण और तिस्रा, और अभी बहुत ही नजदीक का उदाहरण है कि खरदूषण तिस्रा बधे अनुज की अशरिबंड, तो आपके जो अनुज थे मनुज थे खर और भूषण जो आपके छोटे भाई के समान थे, उनका वध कर दिया, तिरसरा का वध कर दिया, तो क्या उनको आप कम करके आते हो? इसलिए कृपा करके इस ख्यालात को छोड़ दीजिए मन से कि जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनी बहुगारी। कि आप जो है ना अपने भवन को चले जाइए, अपने महल को चले जाइए, इसी में भलाई है। तो इस बात को सुन करके रावण महाराज लाल तेज हो गए, गुस्से में आकर के उनको गाली गलौज करने लगे, और उनको मारने के लिए रावण दौड़े। पब मारी की हृदय अनुमाना, नवय विरोध नहीं कल्याणा, छत्री मर में प्रभु सच धनी, वैद बंद कभी बहान हस गुनी। तब मारी हृदय अनुमाना, अब मारी अपने हृदय में सोचने लगे कि अब भाई तेरी खैर ना है, यहाँ मरेगा यहाँ ना मरेगा, तुम हाँ मरेगा, मरना जरूर है भाई। इस बात को सोच करके कहते हैं कि उभय भात न
नाली के दोनों ओर से। उभय भाट देखा निज मरना तब तातक रघुनायक शरण। तो दोनों ओर से तो भैया मेरी मौत है भाई, क्यों ना तो भगवान राम के हाथों से जाकर के मरूं ताकि मेरी मुक्ति हो जाए और शराब संस्कार से क्यों मरूं। और अस जिए जाने दसानन संगा रामा, चला राम पद प्रेम अभंग रामा, दशानन के साथ मारी जी चल देते हैं, चलो भैया जरूर मदद करेंगे। तो कहां पहुंचते हैं रावण, तेही बन निकट दशानन गयऊ तब मारी के कपट मृग भयऊ। और जहां पर भगवान राम लक्ष्मण भैया और माता सीता का निवास स्थान था पंचवटी, उसी वन के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंच के रावण ने क्या किया कि मारी से कहने लगे, अब मामा जल्दी कर जल्दी कर। अच्छा तब मारी च कपट मृग भयो, इतनी बात सुनकर के मारी जो है ना एक बहुत ही स्वर्णमयी मृग बन के बड़ा ही सुंदर देखने में मृग का रूप धारण कर लिया और वहां पे विचरने लगे। तो जब माता सीता ने देखा कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग समनोहर वेशा। ये माता सीता ने अति परम रुचिर मृग देखा कि अंग अंग मनोहर वेशा, प्रत्येक अंग प्रत्यंग से इतने मनोहर लग रहा था उस हरण कि माता सीता का जो है एकदम से उन मोह हो गया और कहने लगे, सत्य संग प्रभु पद कर एही तो आनहु चरम कहत बेदेही। अखे भगवान सत्य संत प्रभु पद कर एही कि हे प्रभु इसका शिकार करके इसको मार करके आनहु चरम कह देही कि इसके जो है ना चरम को ला करके मुझे दे दीजिए ताकि मैं इससे कुटिया का श्रृंगार कर सकूं। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुर काज समारण। हालांकि भगवान इशारा सब कुछ जानते थे कि ये मृग जो माया रूपी है, लेकिन फिर भी उठे हर से सुर कार्य सारण और सुरों का देवताओं का ऋषियों का मुनियों का कार्य संवारने के लिए भगवान उठ खड़े होते हैं। और इंद्रग पव रघुपति जानत सब कारण उठे हर सुर कार्य संवारण, तो भगवान राम अपना तीर कमान लेकर के उठ खड़े होते हैं उसको शिकार करने के लिए चलते हैं। जैसे मृग बिलोक कटि पटि कर भागा करतल चाप रुधिर इर सर साधा, मृग बिलोक कटि परि कर भागा करतल चाप रुचिर सर साधा। और भगवान राम ने जो है हिरण को देख करके कमर से फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया धनुष पर। और फिर प्रभु जी ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई कि फिरत विपन निश्चर हो भाई। अखे भैया इस वन के अंदर बहुत ही निश्चर राक्षस जो है वो भ्रमण करते हैं घूमते हैं, आप यहाँ जो है ना निगरानी करते रहना। कि सीता के करे रखबारी बुद्ध विवेक बल समय विचारी। हे भैया आप बुद्धि और विवेक के साथ सीता जी की जो है ना वो रखवाली करते रहना, इनको अकेली छोड़ करके कहीं मत जाना। इसी दौरान क्या होता है कि भगवान राम उस माया मृग के पीछे भाग लेते हैं और आगे आगे मृग और पीछे भगवान राम। तो जैसे ही भगवान राम ने तीर चलाया तो क्या होता है कि वो जाकर के मरीज को लगा
मृग रूपी मारीच को जाकर के लगा और वो हताहत होकर के तड़पने लगा, तो क्या करता है कि लक्ष्मण कर प्रतिमा ही ले नामा पाछे सुमरस मन मऊरामा। और जैसे वो घायल होकर के गया, सर्वप्रथम उसने जो है ना हाय लक्ष्मण हाय राम हाय लक्ष्मण ऐसा कह करके उसने जो है ना आर्तनाद करना शुरू कर दिया। ये बात ये वाणी जो कि उसके मुख से निकली थी मारीच के से, ये वाणी लक्ष्मण जी ने भी सुनी और माता सीता ने भी सुनी। जहु बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहस कहो सुन माता आरती गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सन परम सबीता। जब ये आरती गिरा यानी कर्ण क्रिया आवाज माता सीता ने सुनी तो लक्ष्मणी से कहने लगी कि जाहु बेग संकट अति भ्राता कि हे लक्ष्मण भैया आप जो है ना बड़ी शीघ्रता से जाइए और आपके भ्राता जो है वो संकट में है। तब लक्ष्मण जी हंस करके कहने लगे कि लक्ष्मण ने भी हंस कहा सुन माता कि भ्रकट विलास सृष्टि लय होई सपने संकट परे न सोई। कि इस सृष्टि के अंदर इस संसार के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो भगवान राम को कष्ट पहुंचा सके। तो इसी दौरान लक्ष्मण भैया जो है माता सीता को समझा रहे हैं किसका ताहत है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां कभी अंधेरा आएगा। तो लक्ष्मण की माता सीता को समझा रहे हैं कि किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माता दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। तो लक्ष्मण जी समझा रहे हैं अच्छा माता दुखाया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मैं इस समय मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा पर सर्वस्व निठावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर, और मेरे भ्राता ने जो मुझे आज्ञा दी है मेरा सर्वस्व उनको निछावर है। और अब मेरा यह धर्म है कि मैं आपकी रक्षा करूं आपकी रखवाली करूं आपकी देखभाल करूं। तो सीता माता जो है इस बात को सुन करके बड़ी रुष्ट हुई और कहने लगी कि अच्छा अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है पर पंचों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। तो सीता जी ने ऐसे कटु वचन कहे कि ना तो भाई सा मित्र है और ना ही भाई जैसा शत्रु है, आप तो मेरी आज्ञा ना मान करके शत्रुता ले रहे हो। और कहती है कि तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, पास वाणी की मेरे जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ क्या करूं पार मेरी बसाती नहीं, है बनी के मददकार तो सैकड़ो कोई बिगड़े में दुनिया में साथी नहीं। तो
इतनी कटु वचन कहे लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी आहत हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो कहते हैं कि मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, आज दिल में तुम्हारे ये क्या आ गया, बेगुनाह हाय नौबत लगाती मुझे, अकाब मौजूद तोहमत लगाती हूँ मुझ पर बेगुनाह को, सब करा और धरा मिल गया खाक में, मैंने आपकी जितनी सेवा की वो सारी मेरी खाक में मिली, आप बदमाश कहकर बुलाती मुझे, आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा मैं, मौत भी तो मुझको हाय आती नहीं। तो लक्ष्मण जी इतने परेशान होकर के ये बातें माता सीता को कहते हैं कि खूब परवरिश की, खूब बदला दिया, खूब दे दे के लोहड़ी सुलाती मुझे। अच्छा माता, अगर आप ये कहती हैं तो मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम इस रेखा के भीतर रहना, और उस कुटिया के चारों ओर जो है ना लक्ष्मण जी रेखा खींच देते हैं, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा है आन उसे ये लक्ष्मण की, वो तुरंत भस्म हो जाएगा, और ये रेखा आपकी रखवाली करेगी, जो इस रेखा का उल्लंघन करके आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, कुटिया की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो वो वहीं पे तुरंत भस्म हो जाएगा। इसी दौरान क्या होता है कि सून बीच दस कंतर देखा, तो आवा निकट जटी के भेषा, सून बीच दस कंतर देखा, आवा निकट जटी के भेषा, और जब वहां पे सब कुछ सुनसान देखा तो लक्ष्मण जी भी वहां चले गए, बस भैया को चाड़ी करी, तो आया निकट जटी के भेषा, एक साधु के वेश में जो है वहां पर आते हैं कि सोदस शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई, और जिस प्रकार एक कुत्ता घर के अंदर बढ़ के इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई रखवाली तो नहीं कर रहा है, और वो जो है स्वान की भाई, स्वान स्वान कुत्ते को कहते हैं, स्वान की तरह जो है भड़ियाई करने लगा कि नाना विध करी कथा सुनाई, राजनीत है प्रीति कैसी ता सुन जति गोसाई, बोले ही वचन दुष्ट की नाई। तो सीता जी को जैसे अब योगी मांगने आते हैं, भिखारी आते हैं, तो दुआएं देते चले जाता है, माई जीती रहे तेरे बच्चे बढ़ रहे, तू ये सुहागन हो, बूटो फलो दूधो ना हो, ये तो ऐसी जो है ना वचन जो है रावण बोल रहे थे माता सीता के लिए। तो माता सीता जो है सुनकर के क्या कहती हैं, कि कह सीता सुन जति गुसाई, तो बोल रहे बचन दुष्ट गिनाए। इसी दौरान जब वो आते हैं भिक्षा मांगने के लिए रावण, तो ये हमने राधेश्याम से दिया है कि जब भिक्षा मांगते हैं तो कहते हैं कि भिक्षाम दे माही, तो माता सीता सुनती हैं तो भिक्षा लेने के लिए कि ए माई मुझको भिक्षा दे, मत तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीती रखे, वो सदा बोल बाला तेरा, तू दूधों ना तू पूतों पर, तू दिन पर दिन बढ़ भागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे देवी तू अटल सुहागन हो। तो इस प्रकार जो है रावण महाराज माता सीता को जो है वो आशीर्वाद दे रहे थे। तो माता सीता कहने की, हे मुनिराज ये कुछ फल है मध्यान्ह काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृत के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे, अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किन मुश्किल है धर्म गृहस्थी का, लेकिन हे महाराज आप शिक्षा भिक्षा ग्रहण कीजिए। और उस रेखा के अंदर से ही माता सीता कहती हैं कि हे महाराज आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो रावण जैसे आगे कदम बढ़ाकर अकलाइए देवी, तो उस रेखा को देख कर जैसे
बड़ाए तो एकदम खिसक जाते हैं रेखा से, तो क्या कहते हैं कि ये या तो कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति सती सत किसी महान सती का है। कहने लगी उस रेखा को देख करके कि या तो है कोई माया या तेज किसी योगी का है या सीता है महासती ये सत किसी सती का है। रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय ही मरण मेरा, कैसा सीता हरण यहाँ होता है प्राण हरण मेरा। अरे मैं यहाँ सीता हरण करने आया हूँ, मेरा ही यहाँ प्राण हरण हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो कहते हैं प्रकट होकर के, हाँ देवी अगर आपको भिक्षा देनी है तो आप इस रेखा से बाहर आ जाइए, हम योगी का बनी हुई भिक्षा नहीं लेते। तो सीता जी कहती हैं ये वैसे बार बार जो नहीं राधे श्याम है गा के सुनाए जाते हैं, लेकिन आज कुछ गला कुछ बराबर साफ नहीं दे रहा। तो माता सीता कह रही हैं कि देवर की आन रहे ना रही, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कार्य गृहस्थी का। तो जो है ऐसा कह करके रेखा से बाहर आ जाती हैं, और रेखा बाहर आते ही रावण जी महाराज जो है विकराल रूप में आ गए। ऐसी थे वो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में। और अपने जो वो ढोड़ी झंडा है वो सारे फेंक फाक के कहने लगे ऐसी थे वो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। तब माता सीता फिर कहती है अरे दुष्ट, अरे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ, अब ला हूँ पर इतना बल है पतिवर्ती की रेखा में हूँ, तू क्या संसार अगर आए तो भी बल नहीं तोड़ सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अकेले मूर्ख भोगी पापी तू मेरे शब्द को अजमाना चाहता है, ब्रह्मा भी सतवंती नारी का मुकाबला नहीं कर सकते। रावण जो है एक तरफ होकर के कहते हैं कि तुम ठीक कहती हो माता, मुझे भी अपना मुक्ति का मार्ग चाहिए, इसलिए मैं आपको हर कर ले जा रहा हूं, वरना मेरा कोई अन्यथा विचार नहीं है। फिर जो प्रकट होकर कहते का, अच्छा अब ज्यादा बातें मत बना और सीधी लंका गिरा पकड़, सीता को उठाकर अपने कंधे पर डाल लेते हैं और माता सीता का हरण करके वहां से चल देते हैं। जब नाम सुनावा रामा, अरे कह सीता धर धीरज रामा, आय कजौ प्रभु रहु खल ठाड़ा रामा। इसका व्याख्यान में अभी कर चुका हूँ। और जैसे ही रावण ने माता को खींच करके सीता जी को अपने कंधे पर बैठा लिया और खींच करके अपने रथ की ओर जो उनका पुष्पक विमान था उसकी तरफ ले जाने लगे, और माता सीता जो है वो विलाप करने लगी। जिम हरि बुद्धि क्षुद्र सच चाहा, भ्रष्ट काल बर निश्चरणा, सुरत वचन न सुजीश निशाना, मन में उच्चारण बंदी सुखमान, क्रोध बंद क्रोध वंत तब रावण लीन रथ बैठा, चला गगन पत आचुर रथ हाथी जाए। इस प्रकार जो है क्रोध में भर के रावण माता सीता को खींच करके और रथ में बैठा लेते हैं और लेके चल देते हैं। तो माता सीता क्या कह रही है कि
हा लक्ष्मण तुम्हें नाही दोषा सो फल पायो कीन रोषा। अके हे लक्ष्मण भैया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैंने अपनी करनी का फल पा लिया। सो फल पायो कीन रोषा, मैंने अपनी करनी का फल पा लिया। विपत मोर को प्रभु सुनावा तो पुरो दास चेहरा सब खावा। जाकर के मेरी विपता के बारे में भगवान राम को कोई बता दे कि पुरो दास चेहरा सब खावा। पुरो दास कहते हैं कि यज्ञ का जो अन्न होता है उसको कहते हैं पुरो दास, और रासव कहते हैं गधे को। अब यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता के बिलाप सुन भारी तो भय चराचर जीव दुखारी। तो माता के इस प्रकार बिलाप करने को सुन करके सारे जगत चराचर जीव जो है वो दुख मानने लगे, दुखे होने लगे। अरे गीत राजे सुनी आरती बानी रामा, रघुपुर तिलक मार पहचानी रामा। अदम निशाचर दीने जाई रामा, मलेच बस कपिला गाई रामा। और गीत राजे सुन आरत बानी रघुपुर तिलक नर पहचानी। तो वहां पे गिरिराज जी ने जो डटाए रहते थे वो उन्होंने आरतवाणी सुन करके माता सीता जी उनको पहचान लिया। हाँ ये तो जानकी जी हैं। सो सीते पुत्र करस जन त्रासा करे उजा तो धान करनासा। तो इस बात को देख करके एकदम से गिरिराज डटाए जो है कहते हैं कि रे रे दुष्ट ठान के क्रोही निर्भय चले से जानी हुई कि तू ऐसे निर्भय होकर के नहीं जा सकता, मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। की पनाह के खगपति होई मम पर जान सहित पति सोई। तो रावण सोचने लगा, देखने लगा कोई मिनाक है, मिनाक पर्वत या खगपति या कोई पक्षियों के स्वामी गरुड़ है या मिनाक पर्वत है। मम पर जान सहित पति सोई ये कह करके अपने विष्णु भगवान के जो वाहन है गरुड़ भगवान उनका रूप दिखाई दिया जटायु का। तो सुनत गीत क्रोधात धावा, तो जटायु जो है वो रावण पे टूट पड़ते हैं और उनका वहां पे युद्ध होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसा भी आया कि युद्ध के दौरान ही जटायु ने रावण को घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया और रावण को मूर्छा आ गई। तो क्षणभर की मूर्छा से जाकर के क्रोधवश उसने जो है जटायु जी के सारे पर काट दिए और उसको वहां पे बिलखने के लिए छोड़ दिया। राम रोष पावक अति गोरा होए सकल सलब भूल तोरा, धर कच बिरत कीन मही गिरा तो सीतई राख गीत पुन गिरा। तो रावण जो है वो माता सीता को लेकर के चल देता है गीत के जटायु जी के पर काटने के बाद। सीत ही जान चढ़ाय बहोरी चला उतारे त्रास न थोरी। और सीता माता को उसे बैठा करके भी माने वहां से चल देता है। तो उसी समय जो है ना पर्वत के ऊपर गिर पर बैठे कपिल निहारी, पर्वत पर कपिल भालू बालनों ने देखा कि एक राक्षस एक नारी को ले जा रहा है। तो गिर पर बैठे कपिल निहारी कह हरि नाम दीन पट डारी। और माता सीता ने जो भगवान का नाम लेकर के अपने पट आभूषण जो है वहां पे उनको उनके पास डाल दिए। यही भी सीते सोले गयो बन अशोक में राख तो भयो। और इस प्रकार जो है वो माता सीता को अशोक वन में ले जा करके वहां पे उनको ठहरा दिया। तो
आज का जो एपिसोड है उसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, इस आशा के साथ कि आप तहलका हरियाणा को जो है ना फॉलो करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे। और मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि तहलका हरियाणा को चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और ये बताइए कि आपको ये प्रसारण कैसा लग रहा है। और इसको जो है ना, मैं तो यही कहूँगा कि ये धार्मिक प्रवचन है भगवान राम की, तो इसको सुनते रहिए और मुझे भी कुछ आशीर्वाद देते रहिए। बोल जय सिया राम।